खुशियों के महापर्व दीपावली की रौनक छाई है। धनतेरस के साथ दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ है। बाजारों में धनतेरस पर जमकर धन वर्षा हो रही है। खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी है। मॉल शोरूम से लेकर दुकानों पर भी भारी भीड़ दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे साथ सहयोगी तृप्ति गौतम जुड़ी है, उनका रुख करेंगे। तृप्ति, धनतेरस की धूम किस तरह से बाजारों में दिखाई दे रही है और आज कितने करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है? बिल्कुल शिखा, मैं कह सकती हूँ कि दीप उत्सव के 5 दिनों में आज सबसे पहला दिन धनतेरस और मैं इस वक्त मौजूद हूँ परकोटे में। आपको बता दूं कि जो पूरा जयपुर है, छोटी काशी है, वो दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। मैं चाहूँगी कि आप जरा इस जगह का रुख करें और यहाँ की लाइटनिंग देखें। मैं आपको बताऊं कि इस बार जो लाइटनिंग हुई है परकोटे में, उसकी अलग थीम रखी गई है। जैसे पिछली बार डिज्नीलैंड थीम थी, बाकी की जो थीमें थी उस पर था, और इस बार समुद्र मंथन का एक बहुत बड़ा सारा मंच जो है वो यहाँ पर लगा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत लाइटिंग जो है वो यहाँ पर की हुई है। सफ़ेद, हरी, नीली, पीली सभी रोशनियों में इस वक्त जो जयपुर है वो जगमगा रहा है। और लोगों की मैं बात करूँ तो लोग काफ़ी अच्छी संख्या में, कह सकते हैं जिन लोगों से बातचीत अभी हम कर रहे थे उनसे भी हमने यही जाना कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार जो लोग हैं वो जयपुर में, छोटी काशी में और इस परकोटे में आए हैं। और जो लोग पहले से आते थे वो हमेशा की तरह अपना परंपरा को निभाते हुए परकोटे आ रहे हैं। और ये वो जगह जयपुर की सबसे खास, पिंक सिटी की सबसे खूबसूरत लोकेशन, जहां आए बिना शायद दिवाली फीकी मानी जा सकती है, क्योंकि यहां पर शॉपिंग को लेकर सबसे ज़्यादा क्रेज नज़र आता है। चाहे ज्वेलरी शॉप्स की मैं बात कर लूँ, कपड़े व्यापारियों की मैं बात कर लूँ, या फिर ज्वेलरी जो बाकी मिठाइयों की दुकानों की मैं बात कर लूँ, सारे ही बिल्कुल तृप्ति और रौनक देख कर दिखाई दे रहा है कि दीपोत्सव धूमधाम से जयपुरवासी मना रहे हैं। शुक्रिया तृप्ति आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी।